तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव है। 4 अप्रैल को नामांकन भरने की अंतिम तारीख थी और 5 अप्रैल को नामांकन पत्र जांच का दिन था, जिसमें 23 में से 4 अभ्यर्थी का नामांकन पत्र रद्द हो गया। इसके बाद 19 अभ्यर्थी राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में रह गए थे। आज 8 अप्रैल को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिए। इसके बाद अब कुल 15 प्रत्याशी राजनांदगांव लोकसभा में मैदान में रहेंगे। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव में कुल 23 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र भरा था। नाम निर्देशन पत्रों के बाद जब उसकी स्क्रूटनी हुई तो स्क्रूटनी में 4 नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं पाए जाने के कारण निरस्त किए गए थे और उसके बाद 19 अभ्यर्थी बचे थे, जिसमें से नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की जो आज अंतिम तारीख थी उसमें 3 बजे तक 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। क्योंकि 4 लोगों ने नाम वापस ले लिया है, इसलिए अब कुल 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं। 16वें अभ्यर्थी के रूप में नोटा रहेंगे और इस तरह से एक ही बैलेट यूनिट का उपयोग अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले सभी 8 विधानसभा में होगा।